मेरा सभी युवा साथियों से अनुरोध है, सारे युवा साथियों से अनुरोध है, पीछे चले जाओ, पीछे जाओ सर, सारे उधर से भी थोड़ा पीछे जाओ, जगह बनाया है, ऐसे मत कर। अमित शाह को बोल। अच्छा मैं अनुरोध कर रहा था, भारत माता की अब मेरे पर कृपा करो, रणदीप सुरजेवाला जी की 3 बजे तो मैं 3-4 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा, बाकी तो मैं ये भैया आप बैठो जा रहे हैं, एक कुर्ते वाले भैया भैया जी ला कर देगी, आप बैठ जा रहे हैं, ताली बजा आप ला कर देगी, चलिए अब थोड़ी देर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बात यह है कि बुधनी से नरसुलागंज से रेहटी से और पूरे यहां उपस्थित परिवारजनों से मेरा रिश्ता जैसा राव विधानसभा में परिवार के लोगों से होता है वैसा मैं मानता हूं, आप मानते हो नहीं मानते हो, ये मैं बुधनी की और पूरे मध्य प्रदेश की और शिवराज्य की बातें पूरे प्रदेश में करता हूं, तो वीडियो पे आप लोग थोड़ा बहुत टेस्ट में देख पाते हैं, देख पाते हैं। मेरे 3000 रुपये क्विंटल गेहूं के दाम की बात जो विधानसभा में की थी वो वीडियो बाहर आया था, आप लोगों ने देखा नहीं देखा, किन्ने किन्ने देखा, जरा हाथ उठा करो, आपको वीडियो की एक सच्चाई पता है जो मैं बोल रहा था, पर दूसरी सच्चाई पता नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के वो परिवार के लोग जो शिवराज जी को लगातार 20-25-30 सालों से सहयोग करते आ रहे हैं, वो किसान है, वो किसान का बेटा है, किसान का पिता है। हमारे मुख्यमंत्री जब मैं पहली बार विधायक बना तो एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है ये अपने आप में सुकून देता था, एक एहसास कराता था कि एक मुख्यमंत्री किसानों के दर्द की बातें करता है। शिवराज जी हमेशा कहते थे, पैर पैर वाले भैया थे, हमेशा कहते थे किसान मेरा भगवान है, मैं किसान का पुत्र हूं, किसान के लिए मैं कुछ कर गुजरूं तो मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक होगा, कहते थे कि नहीं कहते थे। फिर एक बार उन्होंने कहा कि मैं खेती और किसानी सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलता हूं कि मैं किसान का बेटा हूं, मुझे पता है दौरा क्या होता है, मुझे पता है मक्खर क्या होता है, बक्खर की पास क्या होती है, जुड़ी क्या होती है, बेल कैसे जोतते हैं, वो कहते थे मेल कैसी होती है, ट्रांसफार्मर में जब करंट नहीं आता है तो फिर कितनी पीड़ा होती है किसान को, मैं जानता हूं, मतलब शिवराज जी कह रहे थे मैं जानता हूं। मेरे को और अच्छा लगा कि एक मुख्यमंत्री यार किसान के दर्द को कितना जीता है, तो मेरे लिए एक आइडियल पर्सनैलिटी के रूप में वो नया नया जब मैं विधायक बना तो दिखते थे, पर इससे अच्छे तब नहीं मुझे वो, जब उन्होंने कहा मैं किसान की आय दोगुनी करना चाहता हूं, तो एक मुख्यमंत्री किसान का बेटा किसान को भगवान मानता है, वो किसान की आय दोगुनी करने की बात करता है, तो किस किसान के बेटे को बुरा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगता था, पर जब और अच्छा लगा जब उन्होंने 4 बार राज्यपाल के अभिभाषण में ये कहा कि मैं किसान की आय दोगुनी करना चाहता हूं, और सुकून होता था। इससे अच्छा और तब लगा जब 2018 में शिवाजी ने शेरपुर सीहोर में प्रधानमंत्री को लेकर आ गया और उनके मुंह से करवाया कि मैं किसान की आय दोगुनी करना चाहता हूं, तो और अच्छा लगा। कोई भी किसान की औलाद को बुरा ये बात लगी नहीं सकती है, वो कांग्रेस का हो बीजेपी का विचार कोई सा भी हो, पर मुझे जब बहुत दर्द हुआ जब मैंने शिवराज जी से विधानसभा में प्रश्न करके पूछा कि आपने 1,00,000 बार प्रदेश को कहा कि किसान की आय दोगुनी करना है, राज्यपाल के अभिभाषण से कहा, प्रधानमंत्री से गिरवाया, अब किसान की आय दुगनी हुई, तिगनी हुई, डेढ़ी हुई, कितनी हुई बताओ, तो शिवराज जी ने कहा जानकारी एकत्र की जा रही है। दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा, चौथी बार पूछा, पांचवी बार पूछा, 10 बार पूछा, मेरे समेत कई विधायकों ने पूछा, एक ही उत्तर, जानकारी एकत्र की जा रही है। पर दुख तब हुआ मुझे
शर्म आने लगी मुझे कि मेरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। वो कब? जब शिवराज सिंह चौहान ने कहा हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी। जब 2018 में गेहूं के दाम थे 1925 रुपया, आज 2023 में गेहूं के दाम है 2140 रुपया। ये 200 रुपया बढ़ना दोगुनी आए हैं क्या? अरे है क्या? और आंखों में छोड़ती किसान के बेटे साथियों, अभी जन आशीर्वाद चाहिए शिवराज जी को। मैं बुधनी के परिवार के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, जन आशीर्वाद शिवराज जी को जनता को चाहिए। पर नरेंद्र मोदी जी से पूछा तो उन्होंने हानि की कि मैं शिवराज जी को आशीर्वाद देना चाहता हूं। जब जेपी नड्डा से पूछा क्या शिवराज जी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहते हो क्या, तो उन्होंने कहा हम नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। जब अमित शाह से पूछा कि आपका 20 साल का मुख्यमंत्री चुनाव का चेहरा होगा क्या, तो अमित शाह ने कहा यह हमारा इंटरनल मामला है, समय पर बताएंगे। तो साथियों, जिनको भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद नहीं देना चाहती, क्या जनता को देना चाहिए क्या? अब आप देखो, शिवराज जी को 18 साल में लाडली बहना याद आई। अगर 18 साल में लाडली बहना याद आई, जब 300-400 रुपए का गैस सिलेंडर था 1800 का हो गया, 300 का था तब लाडली बहना की याद नहीं आई थी, अब 1100 का हो गया तो शिवराज जी कहती बहना मंत्री बनना सार्थक नहीं होगा अगर मैं मेरी बहन के लिए कुछ करने पाऊं तो। और किया क्या बहना? 10 तारीख को 1,000 सारी बहनों के खाते में जाएंगे और 11 तारीख को 3,000 रुपए का बिल बिजली का जिया जी को मिल जाए। फिर शिवराज जी ने इससे ऐसा मुख्यमंत्री मेरे मेरी जिंदगी में किसी ने नहीं देखा होगा। उन्होंने कहा एक भाषण में आप मुझे बता रहे हैं यार के कौन से दुकान पर 250 रुपए किलो मिठाई मिलती है बता दो। और उसको बोलना पब्लिक तीसरे एक दिन छोड़कर आओ।
आ रहे हैं वो आ रहे हैं।